हेलो डियर, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग एस्पिराज इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की 7th चैप्टर द इंटरव्यू, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अगर चैप्टर को आप पढ़ते हैं और उसको आंसर करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको उस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा और अच्छे से आंसर करना होगा, एकदम सटीक आंसर करना होगा, तभी जाकर के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के बच्चे के लिए, क्योंकि उन्हें अक्सर काफी तकलीफ होती है, अच्छे स्कोर नहीं कर पाते एग्जाम में। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान और अच्छा ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं आप क्लास 12 में। देखिए क्या करेंगे हम लोग, लेसन को सबसे पहले समझेंगे, समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर के हम लोग अलग से पढ़ेंगे और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में। आप बस कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करना है और आंसर करना है। तो सोचिए कितनी आसान हो जाएगी, आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं बस इस तरीके से। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसका दो पार्ट है, एक है पार्ट वन और दूसरा है पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लेखक जो होते हैं, सेलिब्रिटी राइटर्स जो होते हैं, वो इंटरव्यू को अलग अलग ढंग से लेते हैं। कोई इसे पॉजिटिव सेंस में लेता है, कोई इसे नेगेटिव सेंस में लेता है। पॉजिटिव सेंस करने का मतलब है क्या, कि वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं कि इंटरव्यू उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें इंटरव्यू देना अच्छा लगता है, इंटरव्यू पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ कुछ सेलिब्रिटी राइटर्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, यानी वो इंटरव्यू को नकारते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता इंटरव्यू देना। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू का शुरुआत जो है आज से 130 साल पहले ही हमारे यहाँ पे हो चुका था दुनिया में। अब ये तब से ही लगकर लगातार इंटरव्यू का जो है चलन चल रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है। हम लोग अक्सर जो होते हैं, जितने भी लोग हमारे संसार में हैं जो पढ़ना जानते हैं, वो किसी न किसी का इंटरव्यू तो एक बार जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स हैं, उन्हें एक बार न एक बार इंटरव्यू तो जरूर देना पड़ता है। कईयों को तो बहुतों बार इंटरव्यू देना पड़ता है। आप देखते होंगे, आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किस प्रकार बहुत सारे लोगों का, सेलिब्रिटी राइटर्स का, एक्टर्स का, क्रिकेटर्स का इंटरव्यू छपा हुआ रहता है, और उसे हम लोग पढ़ते हैं। उसको पढ़ करके हम लोग उस सेलिब्रिटी राइटर्स या क्रिकेटर्स, एक्टर्स, उनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं उस इंटरव्यू के माध्यम से। तो इंटरव्यू जो होता है ना, वो एक जानकारी का स्रोत होता है। उससे हम लोग अपने जो भी फेमस सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं इंटरव्यू के द्वारा। तो ही होती है इंटरव्यू। बहुत सारे लेखक होते हैं, सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं, जो इन्हें पसंद नहीं करते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत सारे, कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। एक है लेविस कैरोल। लेविस कैरोल क्या मानते हैं, बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है ना, वो क्या है, एक आतंक है। इंटरव्यू क्या होता है, उनसे डरे हुए रहते हैं। जब भी वो इंटरव्यू देना चाहते हैं या इंटरव्यू देना पड़ता है, तो उन्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, वो क्या सवाल पूछेंगे, उनकी निजी, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या सवाल पूछ देंगे, हो सकता है कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछ दें। तो इस बात से जो है लेविस कैरोल डरते हैं। और अगला जो हमारा सेलिब्रिटी राइटर है, वो है वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल, तो उनका तो मानना अलग, वो तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं जो सीधा उनके दिल पर घाव करता है, और वे घायल हो जाते हैं ऐसे सवालों से। इसलिए वीएस नायपॉल का कहना है क्या, कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो गए हैं। और एक हमारे सेलिब्रिटी राइटर हैं, जो है रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग का कहना है क्या, कि इंटरव्यू जो होता है वो एक क्राइम है, एक अपराध है इंटरव्यू लेना, क्योंकि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और उसके निजी जीवन को पब्लिश कर रहे हो, लोगों के सामने रख रहे हो, ये तो एक अपराध हुआ। ये कहना है रुडयार्ड किपलिंग का। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स हैं जिनका अपना अपना राय है, कोई इन्हें अच्छा मानते हैं, कोई इन्हें बुरा मानते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल्स में दिया गया है इंटरव्यू के पार्ट वन में। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट टू। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से अम्बेरटो इको जो है, वो भी एक सेलिब्रिटी राइटर है, वो भी नॉवल लिखते हैं। एक्चुअली वो है क्या, वो एक एकेडमिक स्कॉलर है, यानी शैक्षणिक विद्वान है, वो एक प्रोफेसर है, और साथ ही साथ उनका जो फ्री समय होता है, यानी संडे का जब टाइम होता है, जब वो नहीं जाते हैं कॉलेज, तब वे जो है फ्री टाइम में नॉवल लिखने का काम करते हैं। तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं मुकुंद पद्मनाभन, वो जाकर के उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं उनके जीवन के बारे में, उसी के बारे में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अम्बेरटो इको के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं जो होती है उसके बारे में वो विस्तार से बताते हैं। एक्चुअली वो जो है एक एकेडमिक स्कॉलर है, यानी वो पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, तो कैसे वो नॉवल लिखते हैं, इस प्रकार से उन तरह तरह के सवाल पूछा जाता है उनसे,
टोमेटो इको जो है ना वो इंटरव्यू को काफ़ी पसंद करते हैं, वो उसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंटरव्यू एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम अपना इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों से साझा कर सकते हैं, तो इसलिए वो इंटरव्यू को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो समाज का एक आईना होता है, वो हम उसी के थ्रू हम लोग अपने आप को पूरे समाज के सामने रख सकते हैं, इसलिए वो इंटरव्यू को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो उनसे पूछा जाता है सवाल, मुकुंद से सवाल पूछते हैं कि आप किस प्रकार से अपने समय को मैनेज करते हैं कि इतने एकेडमिक स्कॉलर होने के साथ साथ आप एक नॉवेलिस्ट भी हैं। तो वे कहते हैं क्या कि मैं जो है सिर्फ संडे के समय में जो है नॉवेल लिखता हूँ, और साथ ही साथ जो होता है जो भी मेरे जीवन का खाली स्थान है उस खाली स्थान का मैं सही उपयोग करता हूँ। खाली स्थान कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी वे फ्री होते हैं कोई भी समय, मान लेते हैं कोई काम हम लोग कर रहे हैं किसी कहीं पे जा रही है, फिर मान लेते हैं कि लिफ्ट में हम लोग चल रहे हैं, लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उस समय वो हमारा खाली समय में, उस टाइम तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन वे जो होते हैं अम्बेडकर इको वो उस खाली समय का भी सही उपयोग करते हैं और अपने नॉवेल के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता हूँ, वो अम्बेडकर इको का कहना है। इसी प्रकार से वे मैनेज कर पाते हैं, एक एकेडमिक स्कॉलर होने के साथ साथ वे एक नॉवेलिस्ट भी हैं। तो वे अपने आप को एक नॉवेलिस्ट नहीं मानते, उनका कहना है कि मैं एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ बल्कि मैं एक एकेडमिक स्कॉलर हूँ। वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो भी नॉवेल लिखते हैं वो तो अपने फ्री समय में लिखते हैं, रेगुलर तो नहीं लिखते हैं, इसलिए वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट नहीं मानते हैं। तो ये थी हमारी पार्ट टू की कहानी, इसमें जो है मुकुंद जी उनसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि आपने जो एक नॉवेल लिखा हुआ था द नेम ऑफ द रोजेज, उसकी सफलता का क्या कारण है, क्योंकि वो जो नॉवेल थी काफ़ी सक्सेस हुई थी। उनसे पूछा जाता है कि उनका सफलता का क्या कारण है, तो वहाँ पे अम्बेडकर को बताते हैं कि ये भी इसका सारा श्रेय समय को जाता है, क्योंकि वो ऐसे परफेक्ट टाइम में पब्लिश किया गया था जिसके कारण ही वो काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अगर वो 10 साल पहले अगर पब्लिश की जाती या 10 साल बाद पब्लिश की जाती तो उतना फेमस नहीं होता जितना कि उस समय में हुआ था। तो ये थी पार्ट टू में हम लोग ये अम्बेडकर की छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इंटरव्यू इज टेकन इन पॉजिटिव सेंस। इंटरव्यू पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। इट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, यह सच्चाई का स्रोत है। अगला पॉइंट हमारा, इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, और यह इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा का भी स्रोत है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इंटरव्यू मोटिवेट्स अस टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर। इंटरव्यू हमें ब्राइट फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य की ओर मोटिवेट करता है। अगला पॉइंट हमारा, इट इज द सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर माध्यम है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द राइटर्स टेक इट इन नेगेटिव सेंस, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। अगला हमारा है, बट अम्बेडकर इको लाइक्स इंटरव्यू वेरी मच, लेकिन अम्बेडकर इको इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है, ही डज नॉट वेस्ट एनी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन का एक सेकेंड भी वेस्ट यानी व्यर्थ नहीं करते हैं, कौन? अम्बेडकर इको। अगला है हमारा, द राइटिंग स्टाइल ऑफ अम्बेडकर इको इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला है हमारा, ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज ए नॉवेलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया वो अपने आप को नॉवेलिस्ट नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ही रोट ए नॉवेल द नेम ऑफ रोजेज, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है द नेम ऑफ रोजेज, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। दिस नॉवेल डिस्क्राइब्स अबाउट माइथोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, और यह माइथोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पॉजिटिव व्यूज है इंटरव्यू का। तो चलिए, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो, उसमें से आपको एक या दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है और उसी से लेकर कोई भी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी आंसर है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही लिया गया है। आंसर देखिए, देयर आर मेनी मोर पॉजिटिव व्यूज ऑफ इंटरव्यू के बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू है। इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, इंटरव्यू ट्रूथ यानी सच्चाई का स्रोत है। इट इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, और यह प्रेरणा का भी स्रोत है। इट मोटिवेट्स अस टुवर्ड्स आवर ब्राइट फ्यूचर, यह हमें उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इंटरव्यू इज द सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और यह कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर माध्यम है। इंटरव्यू इज टेकन इन पॉजिटिव सेंस, इंटरव्यू पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है।
तो ये जो भी है यहाँ पे आंसर में जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बस इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और उसको आप आंसर कर सकते हैं। तो सोचिए कितनी आसान होने वाली है, आपको कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। तो इसी रूल को, इसी ट्रिक्स को आप यूज़ कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर आपको आने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वो अच्छे से अच्छे स्कोर करते हैं, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे, बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके और क्वेश्चन बनाइए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे।